हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सत्यवान, एक बार फिर से इंग्लिश विद सत्या पर आप सबका स्वागत है। हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ लिया कैन, कुड, डेयर, नीड और यूज़ टू के बारे में। आपने अगर सारे वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा कि यूज़ टू, नीड, डेयर ये क्या है, सेमी मॉडल है। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होने के अलावा भी कुछ और काम करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में। मे दिख रहा है इधर, ओके, मे एंड माइट। देखो, आप सबको जब हमने शुरुआत की थी कैन की, तो आपको पता ही होगा कि कैन का यूज होता है एबिलिटी के लिए और मे का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। अगर मैं लिखूँ राहुल कैन या राहुल मे हेल्प देम, लिख दो देम। ये सेंटेंस दो हो गए, मतलब राहुल कैन हेल्प देम, राहुल में हेल्प देम, दोनों ही सही हैं। बस दोनों का मीनिंग में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। कैन का मतलब इस राहुल से है, मतलब राहुल के अंदर एबिलिटी है किस क्या करने की, उनकी हेल्प करने की। वो करेगा, हेल्प कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसमें एबिलिटी है कि वो हेल्प कर सकता है। अगर फाइनेंशियली हेल्प करनी है तो उसके पास पैसे हैं, वो चाहे तो कर सकता है। अगर फिजिकली हेल्प करनी है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हेल्प कर सकता है। मतलब जिस भी तरीके से ये हेल्प की जा रही है, मतलब करनी है, तो वो करने की इसमें एबिलिटी है। ठीक है, कहने का मतलब जो कैन होता है ना, वो सब्जेक्ट से कंसर्न रखता है, सब्जेक्ट में उस चीज़ की एबिलिटी है उसको बताता है। अब मे का मतलब सब्जेक्ट से नहीं होता, मे का मतलब जो हमारी वर्ब लिखी रहती है ना, यहाँ पे जैसे हेल्प लिखी है, तो इसका मतलब है कि राहुल जो है ना वो हेल्प कर सकता है। मतलब मे का मतलब हुआ कि ये जो हेल्प होने का काम जो है ना वो हो सकता है। राहुल इसको करेगा नहीं करेगा हमें उससे नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि जो हेल्प होने की संभावना है ना वो है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं, देखो अगर आपको मे के बारे में, माइट के बारे में कम्प्लीटली समझना है तो पूरा वीडियो देखना, अगर नहीं समझना है तो आप अभी भी बंद करके जा सकते हैं। ठीक है, देखो मे का यूज हमने पढ़ा कि ये पॉसिबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है कि भाई कोई काम होने के चांसेस हैं। ठीक है, माइट इसी की वीकर फॉर्म होती है। मतलब अगर ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि किसी काम के होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो ये बताता है कि उस काम के होने के चांसेस कम हैं। मतलब इसमें जितने चांसेस होते हैं उसमें इतने, माइट में कम होते हैं। अगर मान लेते हैं, रट मत लेना और मान मत लेना कि यही होता है, मान लेते हैं मैं अगर कोई काम होने के चांसेस 50%, मैं अगर बोलूँ कि ही में पास द एग्ज़ाम, ठीक है, तो अगर हो सकता है वो फेल भी हो जाए, हो सकता है वो पास भी हो जाए, पर अगर पास होने के चांसेस 50% है तो माइट में ना वो चांसेस घट जाएंगे कि शायद ही वो पास होए। ठीक है, अगर कोई तुम सब पूछे कि क्या भाई तुम्हारा भाई पास हो जाएगा, तुम्हें लगता है वो पास हो जाएगा, तुम बोलोगे ही में पास, मतलब वो पास हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और अगर तुम बोल रहे हो ही माइट पास, तो इसका मतलब क्या है कि वो शायद ही पास होगा। मतलब तुम्हें उस बात के लेके श्योरिटी नहीं है और तुम इस बात को लेके ज़्यादा कर रहे हो कि पास नहीं होगा। जैसे मैं लिखूं ही मे पास द एग्जाम, ही मे पास द एग्जामिनेशन, और सेकंड ही माइट पास द एग्जामिनेशन। अब देखो दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझना। इसमें है कि वो बोल रहा है कि जो ही के पास होने के चांसेस हैं, कहने का मतलब ये जो पास वर्ब लिखी है ना, मे और माइट दोनों इसी से कंसर्न रखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये बता रहा है कि उसके पास हो, वो पास हो जाएगा, कहने का मतलब कोई तुमसे पूछे तो बोले ना कि वो पास हो सकता है, मेरे हिसाब से वो पास हो सकता है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि ही माइट पास द एग्जामिनेशन, इसका मतलब मेरे हिसाब से शायद ही पास होगा, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो है ना वो बहुत है, कम है।
ठीक है, लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, और ये माइट जो है ना वीकर फॉर्म के साथ साथ क्या होती है, पास्ट फॉर्म भी होती है। कहने का मतलब जैसे हमने कैन का इस जगह कुड यूज किया जब पास्ट का टाइम दिया हो, या पास्ट की कोई ऐसी एडवर्ब लिखी हो जिससे हमें पता चल रहा है कि टाइम पास्ट का है, तो हम किसका यूज करेंगे, मे की जगह माइट का। जैसे ही सैड दैट कमल में विन द टूर्नामेंट। ट्रॉफी लिख ही सेड दैट कमल में विन द ट्रॉफी। अब हमें ये पता है कि मे जो लिखा है ये मॉडल है, इसके बाद वानी अबव की बेस फॉर्म, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम मेन क्लोज को देखो ना, ही सैड, ये हमारी पास्ट में लिखी हुई है, तो यहाँ पे मे की जगह क्या लिखना पड़ेगा, माइट। अब ये माइट तुमसे कोई पूछे कि माइट जो है वो मे की वीकर फॉर्म है कि पास्ट फॉर्म है, तो देखना टाइम अगर पास्ट का है तो ये क्या है, पास्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे पूछे कि ये जो मे है माइट है वो मे की पास्ट फॉर्म है कि वीकर फॉर्म है, तो यहाँ पे ये वीकर फॉर्म है। वीकर फॉर्म का मतलब उसी चीज़ को बता रही है बट इंटेंसिटी कम हो गई, उसकी संभावना कम हो गई, पॉसिबिलिटी कम हो गई। ठीक है, ओके, एक यूज हो गया मे और माइट का, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताना है। ये कब की पॉसिबिलिटी बता रही है, फ्यूचर की, ध्यान रखना। अगर मैं लिखूं इट मे रेन टू नाइट, तो इसका ये टाइम कब का है, ये जो बारिश होने की संभावना है वो कब की है, आज रात की, तो ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है कि कोई काम के होने की संभावना है। और अगर यही मैं लिख दूं इट में रेन, लिख तो रहा है टू नाइट, तो ये भी फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी है, बट इसमें चांसेस बहुत कम हो गए। इसका मतलब हो गया कि आज रात को बारिश हो सकती है, और इसका मतलब हो गया कि आज रात को शायद ही बारिश होएगी, मतलब ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, इसमें होने के चांसेस हैं, इसमें ना होने के, सॉरी मैं लिखा ना माइट लिखना, इसको इसको लिखना माइट। ठीक है, अब इतना एक बार तुम लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिटा दो। चलो अब एक यूज और देखना, हमने पढ़ा कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, ठीक है, को बताने के लिए मे और माइट का यूज़ कर लेते हैं, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो तो मे, और हमें लग रहा है कि नहीं है, मतलब नेगेटिव चांस ज़्यादा है, पॉजिटिव चांस कम है, तो माइट। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है बाहर बारिश हो रही है, मतलब प्रजेंट की पॉसिबिलिटी, तो हम यूज़ करेंगे माइट का, इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, हम यूज़ तो मे का भी कर सकते हैं बट उसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं तीन सेंटेंस लिख रहा हूँ, सेकेंड इट माइट बी रेनिंग, थर्ड इट मे Yesterday। देखो तीन सेंटेंस लिखे हैं, इट मे रेन टूडे,
इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, इट मे हैव रेन्ड येस्टरडे। अगर आपको एक बात याद रह गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, हमने पढ़ा था कि मॉडल के बाद जब भी हैव आ जाए और उसे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ध्यान रखना वो हमेशा पास्ट होता है। तो जब ये हमें पता चल गया कि मे के बाद लिखा हुआ हैव, ठीक है, तो ये पास्ट हो गया। पास्ट हो गया तो मे को पास्ट में यूज नहीं करते, इसको लिखो पहले तो माइट, ठीक है। इट माइट हैव रेंड येस्टरडे, अब ये क्या बता रहा है, ये पास्ट का टाइम बता रहा है। इट माइट बी रेनिंग आउटसाइड, ये प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि भाई हो सकता है बाहर बारिश हो रही हो, और ये फ्यूचर की। तो कहने का मतलब मे प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लिखी हो तो फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी। माइट बी, ध्यान रखना माइट के साथ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। अगर माइट के साथ बेस फॉर्म डायरेक्ट लिखी होती ना तो वो भी प्रेजेंट की बताता, बट ये माइट के साथ बी लिखा हुआ है, माइट प्लस बी। मैं तीनों स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, मे लिखा हो या माइट लिखा हो, उसके साथ लिखियो वर्ब की डायरेक्ट बेस फॉर्म, तो ये टाइम कब का होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर मे प्लस बी लिखा हो या माइट प्लस बी लिखा हो तो ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। और अगर माइट हैव या मे हैव लिखा हो, ध्यान रखना मैंने बताया कि हैव अगर मॉडल के साथ आ गया तो कब चला जाता है, पास्ट में। तो जब पास्ट में चला जाएगा तो मे तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब यही स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये टाइम कब का होता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये टाइम होता है पास्ट का, ठीक है। ये तीनों बात समझ आ गई होगी, एक बार इसको लिख लो। मे और माइट के छोटे छोटे चार पांच यूज होते हैं और मैं चारों पांचों अलग अलग करके समझा दूंगा, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लिया। चलो अगर मैं लिखूं कि तेज दौड़ो वरना तुम ट्रेन मिस कर दोगे, ठीक है, या फिर तेज दौड़ो वरना तुम रेस हार जाओगे, रन फास्ट अदरवाइज यू कैन लूज द रेस। एक और लिख लो, अच्छे से पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे, है ना, स्टडी वेल अदरवाइज यू मे फेल द एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो हमने बोला कि तेज दौड़ो वरना तुम फेल हो जाओगे, और उसके बाद हमने लिखा यू कैन मतलब रेस हार जाओगे। अगर कैन लिखा है तो इसका मतलब क्या एबिलिटी बता रहा है, क्या हारने की एबिलिटी आ जाएगी क्या, मतलब अगर तेज दौड़ोगे तो क्या हारने की एबिलिटी आ जाएगी, अदरवाइज मतलब हार जाओगे एबिलिटी आ जाएगी, नहीं, ये हारने के चांसेज हैं। तो हमें यहाँ पे एबिलिटी नहीं बतानी, हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनानी है। तो यहाँ लिखो मे, जब भी ऐसा सेंटेंस लिखाओ ना जिसमें कंडीशन लिखी हो और वो ऐसा लिखाओ कि उसके बाद हमें लग रहा हो कि एबिलिटी नहीं, उसमें संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, तो क्या लिखेंगे, मे। अब देखो स्टडी वेल, अच्छे से पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो फेल होने की, अगर अच्छे से नहीं पढ़े तो फेल होने की एबिलिटी आएगी कि चांसेस होंगे, चांसेस होंगे, तो मे सही है, ठीक है। अब एक मे का जो यूज होता है ना वो परमिशन के लिए होता है, हम जो यूज करते हैं बचपन से यूज करते आ रहे हैं, जब क्लास में एंटर करते हैं तो सर से बोलते हैं मे आई कम इन सर, कभी बोला है कैन आई कम इन सर, ठीक है। देखो गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, बट मोरली अगर सोचो ना तो कैन बोलना गलत है, क्योंकि फॉर्मल परमिशन जो होती है ना उसमें रिस्पेक्ट दी जाती है, तो
तो हम जैसे अपने टीचर से या बड़ों से जो बोलते हैं तो उसमें एबिलिटी नहीं बताते, हम ये नहीं बोलते कि मेरे को अंदर आने की क्षमता है, मेरे में अंदर आने की क्षमता है, नहीं मना कर दोगे तब भी मैं आ जाऊँगा, ऐसा नहीं बोलते। हम परमिशन मांग रहे हो कि मना कर दोगे तो आप ही चले जाऊँगा, बोल दोगे तो आ जाऊँगा, ठीक है। तो जब परमिशन मांगनी होती है ना, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल, तब किसका यूज करते हैं, मे का, ठीक है। जैसे मे आई कम इन सर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम परमिशन मांग रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो इन है ना, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये जो इन है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है यहाँ पे क्या है, ठीक है। एक और यूज देखो, मे का यूज हम किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस में किसी को ब्लेस करने के लिए या किसी को कर्स करने के लिए भी यूज करते हैं। अगर आपने मेरे जो मैंने फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं उसमें सेंटेंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। फंक्शन के बेस पे 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें एक टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या करते हैं, हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं या हम ब्लेसिंग्स लेते हैं। जैसे मम्मी के पैर जाके छुए तो मम्मी बोलती है ना, खुश रहो, भगवान लंबी उम्र दे, है ना। तो वो क्या होती है, ब्लेसिंग्स। तो तब ना हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू गुड हेल्थ, मे गॉड ब्लेस यू विद ब्यूटीफुल वाइफ, है ना। तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है। तो ये लाइन भी छोटी सी लिख लो, मे का यूज जो है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, मे भी मे का यूज होता है, ठीक है। MAY, एक दो एग्जांपल लिख लो, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें। मे गॉड ब्लेस यू, देख तो रहा है, विद ब्यूटीफुल वाइफ। अब देखो ये सेंटेंस ना ऑप्टेटिव है, इसमें इंटेरोगेशन का साइन नहीं है, ये मे की मे से शुरुआत हुई है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, और ये ऑप्टेटिव है, तो इसके एंड में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब हम परमिशन मांगते हैं किसी से, तब हम किसका यूज कर लेते हैं, मे का यूज कर लेते हैं। और ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम किसी को ब्लेस करते हैं या हम किसी से ब्लेस लेते हैं, कर्स भी करने होता है ना, किसी को कर्स भी करना होता है, तब भी हम मे का यूज कर लेते हैं, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ, एक और यूज पढ़ लेते हैं मे का। मे का यूज पर्पज के लिए भी होता है, भाई तुम कुछ काम कर रहे हो और उसका पर्पज क्या है, उस काम को कर क्यों रहे हो, वो वजह क्या है उस काम के करने की, तो मे का यूज कर लेते हैं। जैसे भाई राम जो है बहुत मेहनत कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको एग्जाम पास करना है। तो ये जो पर्पज है ना, इसके लिए भी हम मे का यूज कर लेते हैं। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही कैन पास द एग्जाम, ही इज प्रैक्टिसिंग हार्ड सो दैट ही कैन विन द मैच। मतलब कोई काम कर रहा है बट उस काम के करने का पर्पज क्या है, तो पर्पज को जब हम लिखेंगे ना तो पर्पज में मे का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक दो सेंटेंस बोल दिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन पास द एग्जाम, एक ही वर्कड हार्ड सो दैट ही में पास था एग्जामिनेशन। एक मिनट, थर्ड
प्ले वेल और यू मे लूज द मैच। अब देखो मैंने तीन सेंटेंस लिखे, अगर आपको इसमें कोई गलती दिख रही है तो एक बार अपने आप करेक्ट करो, उसके बाद हम समझते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो ये लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मतलब वो मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका रिजल्ट कब आएगा? फ्यूचर में। या प्रेजेंट में मेहनत करेगा तो फ्यूचर में वो रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आएगा, उसका पर्पज़ क्या है मेहनत करने का? क्योंकि उसको एग्जाम में पास होना है, तो पर्पज़ के लिए कैन नहीं मैं लिखो, ठीक है। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। क्यों की थी? ताकि वो एग्जाम में पास हो जाए। अब ये हमने पढ़ा कि जब इसकी पास्ट में लिखना होता है ना मे को, तो मे की पास्ट में मे को यूज नहीं करते, मे किसका क्या लिखते हैं? माइट यूज करते हैं। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास द एग्जाम। अब यहाँ पे जो माइट है ना, ये वीक का फॉर्म नहीं है, ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है। प्ले वेल, अच्छे से खेलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैच जीतना है, तो यहाँ पे मे का यूज बिल्कुल ठीक है, इसका पर्पज बताने के लिए, ठीक है। तो हमने मे के यूज पढ़ लिए कि मे का यूज हम करते हैं, बेसिक सी बात तो यह है कि प्रोबेबिलिटी बताने, किसी के काम के होने की संभावना बताने के लिए, ठीक है। माइट का यूज कर लेते हैं उसी काम के होने की संभावना नेगेटिव में बताने के लिए, कि होने की संभावना बहुत कम है। और माइट का यूज हम तब भी कर लेते हैं जब टाइम पास्ट का दिया होता है, ठीक है। तो मे की जगह माइट यूज कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में मे का यूज कर लेते हैं। परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज कर लेते हैं। पर्पज बताने के लिए हम मे का यूज कर लेते हैं। मे में लगभग इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉडल के बारे में, विल और शैल जो भी लगेगा। बाकी उम्मीद है आपको इससे समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय एवरीवन।